अगर रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए है बड़ी खुशखबरी। निकली है बम्पर वैकेंसी। हर साल युवाओं के लिए सरकारी विभाग में कई तरह की नौकरियां निकलती हैं, जिन्हें पाने के लिए देश भर के कई युवा कड़ी मेहनत करते हैं। रेलवे, बैंक, शिक्षा जैसे कई विभागों में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवा फॉर्म भरते हैं। कई युवा अपनी फील्ड के अनुसार इन सरकारी नौकरी के फॉर्म का इंतजार भी कर रहे होंगे। अगर आप भी रेलवे की नौकरी के लिए फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका ये इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे की नौकरी के लिए इच्छुक महिला पुरुष दोनों के लिए इन पदों पर आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। रेलवे में निकली बम्पर भर्ती। जी हां, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे के सभी मंडल में महिला पुरुष दोनों के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए बम्पर नौकरी निकाली है। 18 साल से 25 साल के युवा इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे में करीब 9739 पदों के लिए रिक्त स्थान भरे जाने हैं, जिसके लिए भर्ती परीक्षा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इस वेबसाइट पर करें लॉगिन। 1 जून से युवाओं ने रेलवे में नौकरी पाने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि युवाओं के लिए ये मौका सिर्फ 7 दिनों के लिए ही है। इन 7 दिनों में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट फनलिनक्सइन पर लॉगिन कर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि 30 जून के बाद आवेदन बंद कर दिए जाएंगे। इन 2 चरणों पर होगा सिलेक्शन। ये परीक्षा लिखित और फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 चरणों में होगी। इन 2 परीक्षाओं को पास करने पर ही रेलवे में नौकरी मिल पाएगी। फॉर्म की फीस। फॉर्म भरने के लिए जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ₹40, जबकि एससी सीएसटी फीमेल पीडबल या डाई उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस फॉर्म के लिए महिलाओं को फीस देने की जरूरत नहीं है।